हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट स्टडी इंडिया। इसमें हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड के इंट्रोडक्शन और उसके हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बात करा था कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जिसमें एक आउटर डेलिकेट सी कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल कह रहे थे। कॉर्टेक्स जो था वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड था, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, और तीनों के अपने अपने एक एक हार्मोन थे जो तीनों सेक्रीट कर रहे थे। ठीक जैसे ग्लोमेरुलोसा जो था वो क्या कर रहा था, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सेक्रीट कर रहा था। फैसिकुलेटा जो था वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रीट कर रहा था, और रेटिकुलरिस जो था वो गोनाडोकॉर्टिकॉइड सेक्रीट कर रहा था। फिर उसके बाद आ रहा था मेड्यूला। ठीक है, फिर मेड्यूला की कहानी आ रही थी, और मेड्यूला भी क्या कर रहा था, वो दो हार्मोन सेक्रीट कर रहा था, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन। ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हमें क्या करना है, इन पांचों हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। इन पांचों हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम हार्मोन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक कॉर्टेक्स वाले हार्मोन और एक देखेंगे फंक्शन ऑफ मेडुलरी हार्मोन, फंक्शन ऑफ कॉर्टिक हार्मोन और फंक्शन ऑफ मेडुलरी हार्मोन, दो पार्ट करके हम हार्मोन्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कॉर्टेक्स वाले हार्मोन से। तो कॉर्टेक्स में हमको पता है कौन कौन से हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ठीक, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है इसका हम इफेक्ट देखेंगे अलग अलग चीज़ों पे, जिसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम इसका इफेक्ट देखेंगे ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट क्या हो रहा है। मेटाबॉलिज्म पे अगर हम प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे देख रहे हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। अब आप सोचो कि ये क्या कर रहा है, कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक, तो प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटीन हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो इसमें से निकलेगा क्या, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, यही तो निकलेंगे, ढेर सारे अमाइनो एसिड टूट टूट करके बाहर आ जाएंगे या टूट टूट करके बिखर जाएंगे। अब ये अमाइनो एसिड टूट तो रहे हैं, टूट के आ कहाँ रहे हैं, तो हमारे ब्लड में आ रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स के लेवल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे टूट टूट के ब्लड में आने लग रहे हैं, और ये तोड़ कौन रहा है, तोड़ने वाले हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भाई साहब हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन होगा तो वो अपने कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स फॉर्म में टूटेगा, और प्रोटीन्स का सिंप्लेक्स फॉर्म है अमाइनो एसिड्स। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये कर क्या रहा है कि ये इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ अमाइनो एसिड, हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स के लेवल को बढ़ा दे रहा है, क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स के लेवल को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, देयर इज इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन लीवर, और लीवर में प्रोटीन के सिंथेसिस बढ़ जा रही है, क्यों, क्योंकि लिखा क्या है, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेलरेट द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड एक्सेप्ट इन द लीवर, लीवर के अलावा, लीवर को छोड़ करके बाकी जगहों पे ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा रहा है, जिससे हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स का लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है, ये हमने कहा। तो हमने कहा एक्सेप्ट लीवर, लीवर में नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो देयर इज इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन लीवर, तो क्या हो जा रहा है,
लीवर में प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जा रहा है एज कंपेयर टू मसल्स या जो भी टिश्यूज वगैरह हैं, ठीक है। तो इन पेरिफेरल टिश्यू और वहीं पे पेरिफेरल टिश्यूज में देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। तो इतने में हमने कितने पॉइंट्स देखे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करा है, लीवर को छोड़ के बाकी जगहों पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन करा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड्स का लेवल बढ़ जा रहा है। हमने कहा एक्सेप्ट लीवर, तो लीवर में क्या हो रहा है, सिंथेसिस बढ़ जा रहा है। वहीं अगर पेरिफेरल टिश्यूज वगैरह की बात करें हम, तो पेरिफेरल टिश्यूज वगैरह में भी क्या हो रहा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो बहुत ही स्लो है। तो यहाँ से आप एक सबसे बड़ा कंक्लूजन ये ले सकते हो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि वो हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स के लेवल को बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है, वो हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड्स के लेवल को बढ़ा दे रहा है। ये हमको इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको क्या होगा ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, सेकेंड जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि फैट पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक। जैसे कि क्या हो रहा था, प्रोटीन पे हमको इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था, उसी तरीके से अब हम फैट पे भी इसका इफेक्ट देखेंगे। तो फैट पे क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये फैट का मोबिलाइजेशन कराता है। क्या कराता है, फैट का मोबिलाइजेशन ऑफ फैट कराता है, कहाँ से कराता है, फ्रॉम एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल से ये फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मोबिलाइजेशन करा रहा है एंड ऑल्सो एसोलेट कैटाबोलिज्म ऑफ फैट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म, कैटाबोलिज्म, ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता क्या है, किसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और किसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए हो क्या रहा है कि हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक और आता है एनाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है कि कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई भी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब सारे रिएक्शन, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, बॉडी में तो कुछ भी होता है, कुछ टूटता है, कुछ बनता है, ये सारे को हम एक रिएक्शन की तरह कंसीडर करते हैं। तो कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है यही फर्दर जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म नाम से देखिए कट 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 करने जैसा कुछ ऐसा आ रहा है। एग्जैक्टली सीयूटी कट नहीं लिखा है, लेकिन सीएटी लिखा है, उसको कैट नहीं पढ़िए, उसको समझने के लिए आप कट पढ़ लीजिए। तो मतलब जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और सेम उसी का जस्ट अपोजिट जो हो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। मतलब जब सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो एनाबॉलिज्म वाला रिएक्शन कहलाता है, और जब कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स में टूटता है तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये सारे को ले दे करके बात हो जा रही है। अब जब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो सिंप्लेक्स में जब टूट रहा है, जब कट हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म, और जब जुड़ रहा है तो एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये चीज इतनी हो गई। अब हम देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा था, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट करा रहा था, कहाँ से, फ्रॉम एडिपोज सेल से, ठीक है, एडिपोज सेल से करा रहा था। और दूसरी क्या कर रहा था, कैटाबॉलिज्म
टाइप ऑफ सेल, और सारे टाइप मतलब सारे सेल से क्या कर रहा था, कैटाबोलिज्म ऑफ फैट भी यहाँ पे हो रहा है। मोबिलाइज्ड फैट आर यूज्ड बाय द लीवर सेल्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे जो मोबिलाइज्ड फैट है वो यूज किए जा रहे हैं लीवर सेल से, क्यों, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, किसके लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। और एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाते टाइम बहुत बार मैंने बताया है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो अब आपका टर्न है कि आप बताओगे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, थर्ड है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब क्या है, तीसरी बात जो हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे बात होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये भाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले किया, फैट मेटाबॉलिज्म में भी किया, अब किस पे कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी रोल प्ले कर रहा है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन लीवर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कॉजेज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लीवर में क्या हो प्रेजेंट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फॉस्फेट नहीं फॉस्फेटेज, मतलब एंजाइम है जो क्या करा रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा है। क्या करा रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, किसमें तोड़ रहा है, ग्लूकोज में तोड़ रहा है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो यहां से, जैसे हमने कहा था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात हमने करी थी, तो हमने कहा था कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि प्रोटीन टूट रहा है, तो अमाइनो एसिड्स में टूट रहा है, अमाइनो एसिड्स में टूट रहा है, दैट मींस कि ब्लड में अमाइनो एसिड्स का लेवल जो है वो बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्लड में जो हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया गया, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, एंड प्रोड्यूस इज डायबिटिक सिम्टम्स। अब भाई ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो डायबिटिक सिम्टम्स तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो लास्ट में वो क्या कर रहा है, डायबिटिक सिम्टम्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट हम देखेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर पे देखेंगे। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के मेटाबॉलिज्म पे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इफेक्ट देखना चाहते हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या होता है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का ये रिटेंशन करा रहा है, मतलब उसको रिटेन किए हुआ है, उसको बचा के रखे हुए है। रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इन दोनों का तो रिटेंशन कर रहा है, इन दोनों को तो बहुत प्यार करता है सोडियम और क्लोराइड आयन से, कह रहा नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पे रहो, उसको वहीं पे रिटेन किया हुआ है। लेकिन इसको नफरत किससे है, इसको नफरत है पोटेशियम आयन से, पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट कर दे रहा है, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे थोड़ा सा भी लगाव नहीं है, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। इन दोनों को बहुत प्यार से रिटेन किए हुए रखा है सोडियम और क्लोराइड आयन को, लेकिन पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट कर दे रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन किससे, किडनी से। और क्या कर रहा है, रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर को भी रिटेन कर रहा है, कह रहा है भाई तुम भी रहो ना प्लीज, तुम भी मत जाओ, वाटर का कह रहा है तुम भी मत जाओ, तुम भी यहीं पे रहो। अब आप सोचो किसी चीज में जब वाटर बहुत ज्यादा भर जाता है तो क्या होता है, वाटर जब किसी चीज में बहुत ज्यादा हो जाता है, भर जाता है तो क्या होता है, तो वहां पे राइज इन वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वाटर इज ऑल्सो फ्लूइड, वो भी तो एक फ्लूइड है, अब वो वाटर को जान ही नहीं दे रहा, एक्सक्रीट ही नहीं कर रहा, रिटेन करके रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा,
बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो अल्टीमेटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्या है, ब्लड और लिम्फ पे इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लड और लिम्फ पे इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो क्या करता है, डिक्रीज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स के नंबर्स को ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और तो और जो लिम्फैटिक टिश्यूज हैं उनके साइज को भी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट्स के नंबर भी डिक्रीज हो जा रहे हैं। आप देखो एक साइकिल चल रही है, पहले क्या हो रहा है, ईओसिनोफिल्स के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, जिस फिर उससे क्या हो रहा है, लिम्फैटिक टिश्यू के साइज भी डिक्रीज हो रहे हैं, लिम्फैटिक टिश्यू के साइज भी डिक्रीज हो गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट्स के नंबर भी डिक्रीज हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, आपको पता होगा कि ईओसिनोफिल्स किस लिए होता है और लिम्फोसाइट्स किस लिए होता है, ये सारे जो हैं हमारी एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। अब ये सारी चीज़ें कम ही होती जा रही हैं, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना भी कम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ना। अब हम किस पे इफेक्ट देखेंगे इसका, नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे अगर हम देखें तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो उससे क्या क्या हमको होगा, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन टाइप की चीज़ें होने लगेंगी, हमको इरिटेबिलिटी होगा, रेस्टलेसनेस फील होगा, लगेगा कि कितने थके हुए हैं, कहीं कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी होगा, और तो और साथ में ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे भी इफेक्ट करता है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे भी करेगा, और ये क्या करेगा, HCl के सिक्रीशन में, पेप्सिनोजेन के सिक्रीशन में, ट्रिप्सिनोजेन के सिक्रीशन में करेगा। और सबसे बुरी बात क्या होती है, ये हमारे कार्टिलेजनस बोन फॉर्मेशन को, मतलब बोन फॉर्मेशन को भी ये इनहिबिट करता है। अब आप सोचो, जब ये बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है तो उससे क्या होगा, उससे होगी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में पोर्स बन जाते हैं, और बोन्स जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस, उसके डिफॉर्म होने के चांसेस, उसके ब्रेक होने के चांसेस, उसके टूटने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट, जितना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करेगा। आपको इस साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो है रेगुलर या नॉर्मल बोन की बात हो रही है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस की है। इसमें आप देखो पोर्स ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो फ्रैक्चर के या टूटने के इन सब के चांसेस जो होंगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या हो रहा है, नाम से आपको को समझ में आ रहा होगा कुछ मिनरल जैसी बातें हैं। तो द मिनरलोकॉर्टिकॉइड आर कंसर्न विथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस से रिलेटेड है ये। ठीक, द एल्डोस्टेरोन इज मोस्ट एक्टिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में भी सबसे एक्टिव हार्मोन कौन सा है, वो है एल्डोस्टेरोन, जिसका हमको कई फंक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये क्या कराता है, इस फैसिलिटेट रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम आयन के को रीऑब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे क्या होता है, रेज द NaCl कंटेंट ऑफ ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। जिससे क्या होता है, हमारे ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में
NaCl का कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि ये सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब कर रहा है रीनल फ्लूइड से. इट रिड्यूसेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन. भाई पोटेशियम आयन से किसी को प्यार नहीं है, सब उसको छोड़ दे रहे हैं. तो रीनल के ब्यूल से ये क्या कर रहा है, पोटेशियम आयन के अब्सॉर्प्शन को कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन में पोटेशियम आयन ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा. यूरिन में पोटेशियम आयन ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा. एज अ रिजल्ट जो हमारी बॉडी में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन होगा वो कम होता जाएगा. और क्या कर रहा है, इट फैसिलिटेट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड एंड H2CO3 बाइकार्बोनेट. वाटर कंटेंट ऑफ ECF इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक चीज होगी जिसको हम कहते हैं ईडिमा. ईडिमा क्या हो रहा है, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं. ठीक है, सारा वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो ईडिमा देखने को मिलेगा, मतलब कि स्वेलिंग हो जा रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है. उसी तरीके से आप गोनाडोकॉर्टिकॉइड का हम भी इफेक्ट देख लेते हैं. तो गोनाडोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर में, लेकिन फिर भी इतना तो प्रोड्यूस कर देता है कि इफेक्ट देखने को मिलता है. वेरी स्मॉल बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंड्रोजन एंड इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन आर सिक्रीटेड बाई एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन और एस्ट्रोजन सिक्रीट किया जा रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से. ठीक है, तो रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग पाया गया कि एंड्रोजन जो है वो कॉर्टिकल टिश्यूज से रिलीज हो रहा है फीमेल्स के, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जा रहा है तो आपको फीमेल्स में बियर्ड वगैरह दिखेगा ग्रो करता हुआ, और अगर मेल्स में हो जा रहा है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को फैसिलिटेट करेगा. प्रोजेस्ट्रॉन जो होगा वो एस्ट्रोजन के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल्स. फीमेल्स में जो साइक्लिक चेंजेस होती हैं उनके लिए, या प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, वो मेंटेन करता है यूटराइन ग्रोथ. ये पूरी बात हो गई कॉर्टेक्स हार्मोन की. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेड्यूलरी हार्मोन की, और उसके हाइपर और हाइपोसिक्रेशन के बारे में भी देखेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.